सत श्री अकाल, तुसी देख रहे हैं पंजाब मेल यूएसए टीवी। मैं वरुण कौर मान, खबरां दे ब्रिटेन दे विच तुहाडा स्वागत। खबरां दे ब्रिटेन दे स्पॉन्सर ने रियल्टर गुरजतेंद्र सिंह रंधावा। इन्हां तों हर तरीके की प्रॉपर्टी खरीदी वेची जा सकती है। इन्हां दे फोन नंबर तुसी स्क्रीन ते देख सकते हो। ते हुण पेश ने पहलां चुणवीआं खबरां। एयर इंडिया की फ्लाइट रद्द, वैनकूवर हवाई अड्डे ते फसे कई विद्यार्थी। अमरीका ने अपने नागरिकों को जारी की चेतावनी, चीन की यात्रा तो पहला एक बार फिर सोच लो। कहा है अमरीका के सैन फ्रांसिस्को भारतीय अंबैसी ते हमला, 5 महीनों च वापरी दूसरी घटना। हर साल 4 जुलाई नू मनाया जाता है अमरीका का आजादी दिहाड़ा, जश्न मनाते ने वक्रे वक्रे तरीके दे नाल लोक। अमरीका च धोखाधड़ी के मामले दे विच भारतीय मूल का वकील गिरफ्तार। वाइडन की नज़र केवल राजनीति ते है, निकी हेले का बयान। ते हुण इन्हां खबरां दा विस्थार। अमरीका कनेडा सने देश विदेश दीआं होर बहुत सारीआं खबरां। दो जुलाई नूं वैनकूवर तों दिल्ली जाण वाली एयर इंडिया की उड़ाण AI-186 दे रद्द होण कारण लगभग 20 तों 25 विद्यार्थी कनेडा हवाई अड्डे ते फसे रहे। ब्रिटिश कोलंबिया यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों ने अपनी औख का जिक्र करते हुए दसिया कि यह फ्लाइट पहला 2 जुलाई नूं सवेरे 10:15 से वैनकूवर हवाई अड्डे तो रवाना होनी सी, पर दो बार मुड़ निर्धारित की गई और अंत विच रद्द कर दी गई। एक विद्यार्थी ने अपना नाम गुप्त रखण ते दस्या है कि 1 जुलाई नूं रात 9 बजे के करीब उन्होंने एयर इंडिया तो एक ईमेल मिली जिस विच उन्होंने 5 घंटे की देरी बारे सूचित किया गया और नवी रवानगी का समा 2:45 से निर्धारित किया गया। हालांकि जो वह हवाई अड्डे पर पहुंचे तो उन्होंने पता लगा कि फ्लाइट 1 घंटा होर लेट हो गई है। फिर वह दोपहर 3:45 के नवे रवानगी समय से बंद बोर्डिंग गेट से उड़ीक कर रहे सन, पर एक साथी यात्री ने उन्होंने दोपहर 3:40 के करीब दसिया कि फ्लाइट रद्द कर दी गई है और कोई अधिकारित घोषणा नहीं की गई सी। विद्यार्थी होर यात्रियों के नाल बाद विच एयर इंडिया के ग्राउंड स्टाफ के कोल पहुंचे। एक होर विद्यार्थी ने कहा कि ग्राउंड स्टाफ ने उन्होंने ये भी भरोसा दिता कि एयर इंडिया विद्यार्थियों की टिकट के खर्चे और होर खर्चे वापस कर देगा। हालांकि जदों उन्होंने लिखती पुष्टि के लिए बेनती की तो स्टाफ ने यह कह के इनकार कर दिता कि वह केवल जुबानी भरोसा दे सकते ने, वह नहीं जानते कि उन्होंने टिकट की रकम वापस की जाएगी या नहीं। विद्यार्थियों ने दावा किया है कि उन्होंने अपनी टिकटों लिए रिफंड की बेनती करने लिए ईमेल भेजी सी, पर एयर इंडिया तो कोई जवाब नहीं मिला। मनमर्जी वाले तरीके दे नाल कानून लागू करन, निकास पाबंदियां ते गलत तरीके दे नाल हिरासत च लैण दे जोखम दे मद्देनज़र अमरीका ने अपने नागरिकां नूं चाइना की यात्रा ते मुड़ विचार करन दी सलाह जारी की है। किसी खास मामले का हवाला तो नहीं दिता गया, पर यह सलाह मई विच जसूसी दे दोष विच 78 साल दे अमरीकी नागरिक नूं उम्र कैद की सज़ा सुनाए जाण तों बाद आई है। यह पिछले हफ्ते व्यापक विदेशी संबंध कानून के पास होने तों बाद आया है जो चीन के हितों नूं नुकसान पहुँचाउण वाले लोगों विरुद्ध जवाबी कदम चुकण की धमकी दिंदा है। चीन ने पिछे जिहे व्यापक रूप दे विच लिखती जसूसी रोकू एक कानून भी पास किया है जिस तहत दफ्तरां ते छापे मारे गए ने। इस नाल विदेशी व्यापार भाईचारे च तरथली मची हुई है। इस दे नाल ही विदेशी आलोचकां ते पाबंदी लाउण दे लई एक कानून भी बनाया गया है। अमरीकी सलाह दे विच कहा गया है कि पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना सरकार कानून हेठ निरपक्ष ते पारदर्शी प्रक्रिया तो बगैर मनमर्जी वाले तरीके नाल स्थानक कानूनां नूं लागू करती है जिस विच अमरीकी नागरिकां अते होर देशां दे नागरिकां ते निकास पाबंदियां जारी करना शामिल है। सलाह दे विच कहा गया कि PRC दे विच सफर करन वाले जां रहण वाले अमरीकी नागरिकां नूं अमरीकी सफारतखाना सेवावां तक पहुँच तो बगैर जां उन्हां दे कथित अपराध बारे जानकारी तो बगैर हिरासत विच लिया जा सकता है। अमरीका के शहर सैन फ्रांसिस्को स्थित भारतीय कौंसलेट दफ्तर से हमला करके अग लगाने की घटना सामने आई। रिपोर्ट के मुताबिक यह घटना एतवार सवेरे तड़के 1:30 से 2:30 बजे के दरमियान वापरी सी।
कथित तौर पर कुछ गर्म ख्याली समर्थकों ने भारतीय कौंसलेट पर हमला करके अग लाई। प्राप्त जानकारी के अनुसार यह अग मुख गेट के सामने फर्श से ही लगाई गई, पर इस अग के नाल दफ्तर का कोई जानी या माली नुकसान नहीं होया। पिछले कुछ महीनों के दौरान कथित गर्म ख्याली समर्थकों के वलों भारतीय कौंसलेट को दूजी बार निशाना बनाया गया है। सैन फ्रांसिस्को के फायर विभाग ने लगी अग को गंभीर रूप धारण करने तो पहले ही काबू कर लिया। कथित गर्म ख्याली समर्थकों ने इस घटना संबंधी एक वीडियो भी जारी किया है। जारी की वीडियो सैन फ्रांसिस्को इंडियन कौंसलेट दफ्तर अग दियां लपटां दे विच दिखाया गया है अते खालिस्तानी पक्षी नारे लाए गए अते पिछले दिनी कैनेडा विच हरदीप सिंह निजर दे कतल दा जिक्र भी किया गया। अमरीकी विदेश विभाग के बुलारे मैथ्यू मिलर ने ट्वीट करके सैन फ्रांसिस्को स्थित भारतीय कौंसलेट दफ्तर च अग लाने की घटना की सख्त शब्दों निंदा की। संदेश दे विच कहा गया कि अमरीका विच डिप्लोमैटिक सुविधावां जां विदेशी डिप्लोमैटा खिलाफ भन तोड़ जां हिंसा एक संगीन अपराध वजों मनिया जाता है। अमरीकी विदेश विभाग ने कथित गर्म ख्याली समर्थकों वालों की अगजनी की कोशिश की सख्त निंदा की है। इस दे नाल ही सैन फ्रांसिस्को कौंसलेट ने कहा है कि इस घटना नाल समुचे भाईचारे का अक्स खराब हुंदा है। उन्होंने कहा कि जिहड़ा भी प्रोटेस्ट करना है वह शांतिपूर्वक हो सकता है। कनेडा विच हुई वारदात का अमरीका स्थित इस दफ्तर दे नाल कोई संबंध नहीं है। हर साल 4 जुलाई नूं अमरीका दा आजादी दिहाड़ा मनाया जांदा है। इस दिन नूं 4 जुलाई दे रूप दे विच वी जाणिया जांदा है। दरअसल 4 जुलाई 1776 नूं संयुक्त राज अमरीका नूं ग्रेट ब्रिटेन तों आजादी मिली सी। हर साल इस दिन नूं आजादी दिहाड़े दे रूप दे विच धूमधाम दे नाल मनाया जांदा है। इस खास मौके पूरे अमरीका च छुट्टी हुंदी है। इस बार आजादी दिवस मंगलवार नूं मनाया जा रहा है। इस मौके नूं अमरीका दे लोक वख-वख तरीकियां दे नाल मनाउंदे ने और बहुत सारे जिहड़े लोग ने इस आजादी दिहाड़े की बेसबरी के नाल इंतजार भी करते हैं। 4 जुलाई नूं देश भर के कई कस्बे अते शहर परेड की मेजबानी करते हैं। इन्हां परेड विच आम तौर पर मार्चिंग बैंड झाकियां देशभगती का प्रदर्शन अते लाल सफेद अते नीले रंग के कपड़े पा के लोग शामिल होंदे ने। इस मौके पर देश भर में कई लोग अपने घरां अते विहड़ियां नूं देशभगती की थीम के मुताबक सजावट करते हैं। इस दे लई लोग बैनर गुब्बारे स्ट्रीमर फुलां दीआं मालावां अते घर नूं सजाउंदे ने। इस दे लई लाल सफेद अते नीले रंग का प्रमुखता दे नाल इस्तेमाल किया जाता है। अमरीकी आजादी दिवस दौरान राष्ट्रीय झंडे का प्रदर्शन किया जाता है जिसनों स्टार्स एंड स्ट्राइपस के रूप दे विच जानिया जाता है। अमरीका विच 50 साल भारतीय मूल के सबका वकील अते प्रतिनिधित्व सभा के सबका उम्मीदवार नूं भारतीय मूल की कंपनी नाल धोखाधड़ी करन दे दोषां तहत गिरफ्तार किया गया। वकील ने लगभग 5 मिलियन डॉलर की ठगी मारी है अते उसने अपने गाहकां दा पैसा अपने निजी कामां दे विच लगा के खर्च कर दिता। उत्तरी इंडोवर के वकील अभिजीत दास उर्फ बीज ने पिछले हफ्ते बोस्टन दे विच संघी ग्रैंड ज्यूरी राही 20 जून नूं वायर धोखाधड़ी दे 10 मामलों में दोषी ठहराए जाने तों बाद गिरफ्तार किया गया। उस खिलाफ अपने गाहकों के खात्यां च होर खात्यां ते पैसे तब्दील करन अते खर्चण दा दोष लगा है। अमरीकी प्रतिनिधित्व मंडल के सबका उम्मीदवार दास नूं जून 2021 च संघी चोणां मुहिम के नियमों के उलंघन करन अते झूठा बयान दर्ज करन दे दोष विच वी गिरफ्तार किया गया सी। दास ने अपने गाहकों के खात्यां जो 50 लाख डॉलर तो वध रकम नूं होर खात्यां च तब्दील किया। उसके गाहकों के पैसों नूं निजी खर्चों लई वरतण दा दोष सी। उन्होंने इन्हां पैसों की वरतों अपनी लॉ फर्म होटल लई जाट अते बोंका रैटन के घर के लिए 2.7 मिलियन डॉलर की वरतों की। रिपब्लिकन पार्टी वालों राष्ट्रपति अहुदे की उम्मीदवार बनने की कोशिश कर रही भारतीय मूल की निकी ने राष्ट्रपति जो बाइडन से चुटकी ली है। चाइना नूं अमरीका लई सब तो वड्डा खतरा दसते हुए निकी ने कहा कि हैरानी की गल है कि चाइना इस समय जंग की तैयारी कर रहा है, साडे राष्ट्रपति राजनीति कर रहे हैं। निकी ने कहा कि लिंग समानता के मुद्दे पर गलबात या बहस पहला भी होंदी रही है अते हुण भी हो रही है, पर साडी नज़र ते होनी चाहीदी है जो अमरीका नाल जंग की तैयारी कर रहा, यानी कि साडी नज़र चाइना ते होनी चाहीदी है। एक इंटरव्यू दे विच निकी ने अमरीका की राजनीति अते विश्व मामलों नाल जुड़े कई सवालों के खुल के जवाब दिते। एक सवाल ते निकी ने कहा कि चाइना ने साडे देश के लिए सुरक्षा
सुरक्षा नाल जुड़े वड्डे खतरे पैदा कर दिते ने। वो अमरीका नाल जंग की तैयारी विच रुझिया होया है। साडी सरकार दीआं तैयारियां की ने? साडे देश विच लिंग समानता ते बहस ते राजनीति चल रही है। बाइडन इन्हां चीज़ां दे विच रुझे हुए ने। निक्की जो संयुक्त राष्ट्र विच राजदूत रह चुके ने, उन्होंने अगे कहा कि वर्तमान दे विच चीन दे कोल सब तो वड्डा जल सेना का बेड़ा है। उसके कोल 340 जहाज ने, जबकि साडे कोल केवल 293 ने। 2 साल बाद चीन दे कोल 400 जहाज होणगे ते साडे कोल 350 भी नहीं होणगे। अज चाइना हर रोज हाइपरसोनिक मिजाइलां विकसित कर रहा, असीं उहनां ते काम करना शुरू किया है। चाइना ते एक होर सवाल दे जवाब दे विच निक्की ने कहा कि चाइना हर पक्षों और हर मोर्चे ते अमरीकी फौज तो ज़्यादा ताकतवर बनने की कोशिश कर रहा है अते वो इससे बहुत तेजी नाल काम कर रहा है। इस समय साड़ी फौज विच लिंग समानता ते बहस हो रही है। ये बाइडन प्रशासन के काम ने। चीन विच नवां जसूसी कानून लागू होने तो बाद अमरीका अते विदेशी कंपनियां दे लई इह परेशानी दा कारण बन सकता है। अमरीका ने दावा किया है कि इस कानून के तहत चीन विच काम कर रही अमरीकी अते विदेशी कंपनियां नूं दोषी ठहरा के चीन उन्हां ते कार्रवाई कर सकता है। अमरीका के नैशनल काउंटर इंटैलीजेंस एंड सिक्योरिटी सेंटर ने एक बुलेटिन दे विच कहा है कि चीन डाटा के आउटबाउंड प्रवाह नूं राष्ट्रीय सुरक्षा जोखम के रूप दे विच देखता है। एनसी एससी ने कहा कि कानून पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना सरकार नूं चीन च अमरीकी कंपनियां द्वारा रखे गए डाटा तक पुजन अते कंट्रोल च करन दे लई विस्थारत कानूनी अपराध प्रदान करते ने। इसलिए कंपनियां नूं बेकार कर परेशानी च भी पाया जा सकता है। इन्हां च कहा गया है कि चीन च अमरीकी कंपनियां ते व्यक्तियां नूं रवायती व्यापारक गतिविधियां दे दौरान अजिहे कम्मां लई खमियाजा भुगतना पै सकता है जिन्हां नूं नवे कानूनां दे तहत जसूस मनिया गया। उधर वाशिंगटन दे विच चाइना दे दूतकर ने कहा है कि बोजिंग नूं घरेलू कानून दे माध्यम दे नाल राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा करन दा अधिकार है। दूतकर दे बुलारे लियू ने कहा है कि चीन व्यापार विच उच्च पदरी खुलेपन नूं उत्साह देना जारी रखेगा अते संयुक्त राज अमरीका सने सारे देश दीआं कंपनियां लई कानून आधारित अते अंतरराष्ट्रीय व्यापारक माहौल प्रदान करेगा। उन्होंने कहा कि चीनी नेता शी जिनपिंग ने 2012 च अहुदा संभालण तों बाद तो राष्ट्रीय सुरक्षा ते जोर दिता है। लियू ने कहा कि सरकार विदेशी निवेश लई दरवाजे खोल रही है। चीन का नवा जसूसी विरोधी कानून बीते शनिवार भाव 1 जुलाई तो लागू होया। इस नाल विदेशी कंपनियां दीआं मुश्किलां वध गईआं ने। चीन दी सरकार दा कहना है कि इस कानून दा मकसद देश दी राष्ट्रीय अखता नूं मजबूत करना है। मैसाचुसेट्स दे रहण वाले पॉल लिटल दी करोड़ां रुपए दी लॉटरी निकली, पर उसनूं उस वेले वड्डा धक्का लगा जदों पता लगा कि वह टिकट किते गुआ बैठा है। जानकारी के अनुसार पॉल लिटल मकैनिक है ते डिजिटल इंजन बनाउण दा काम करदा है। जनवरी विच उसने एक लॉटरी टिकट खरीदी, पर गलती नाल एक ठेके ते गया टिकट छड आया। उत्थे काम करन वाली क्लर्क कॉर्ली ने टिकट लुको ले। पॉल लिटल नूं लगा कि उसकी लॉटरी वाली टिकट किते डिग गई है, पर शाम नूं लॉटरी दफ्तर तो आई एक कॉल ने उसके होश उड़ा दिते, क्योंकि उस वालों खरीदी टिकट ते वह ने एक नहीं दो नहीं सगो करीब 25 करोड़ रुपए जित चुका सी। बगैर समा खराब किते पॉल लिटल उस शराब वाली दुकान ते गया अते टिकट बारे पुछया, पर उत्थे मौजूद कैशियर ने टिकट उस कोल होण बारे साफ इनकार कर दिता। पॉल दे उत्थे जाण मगरों कॉर्ली नुंस ने लॉटरी दे पैसे हासिल करने चाहे, पर किस्मत ने उसका साथ नहीं दिता। टिकट फटी अते सड़ी होण कारण अधिकारियों नूं उसते शक होया अते उसकी चोरी का पर्दाफाश हो गया। टिकट दे असल मालक दे आउण ते कॉर्ली गिरफ्तार कर लिया गया। कुछ दिन पहला जो लिटल लॉटरी दफ्तर पहुंचा तो उसनु 25 करोड़ का चैक सौंपया गया। पॉल लिटल का कहना है कि उसनु किसी भी चीज ले अफसोस नहीं है। टिकट चोरी करन वाले नु शुभकामनावां दिंदा हाँ। मैं जानता हाँ कि उसने अपने आप नु एक मुश्किल स्थिति विच पा दिता है, पर उम्मीद है कि वह बेहतर जिंदगी लई कुछ करे। अमरीका च फ्लोरिडा दे एक समुद्री तट ते अपने बच्चे नूं डुबण तों बचाउंदिआं आंध्रा प्रदेश दे 42 साला सॉफ्टवेयर इंजीनियर पी वेंकट राजेश कुमार समुंदर विच डुब गया। उसके परिवार ने सोमवार नूं इह जानकारी दित्ती। राजेश दे छोटे भरा पी विजय कुमार ने दस्सिआ
कि उसके वड्डे भरा का एतवार सवेरे करीब 4:30 बजे देहांत होया। राजेश मूल रूप दे विच राज दे वोपकला जिले के अंडकी मंडल का रहने वाला सी अते अमरीका विच एक स्टार्टअप कंपनी च काम करता सी। तेलगू देशम पार्टी के प्रधान अते साबका मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने विदेश मंत्री एस जयशंकर नूं कुमार दी मृतक देह वापस लियाउण च मदद करन दी अपील कीती है। राजेश के भरा के मुताबिक 4 जुलाई नूं अमरीका के स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राजेश अते उसका परिवार फ्लोरिडा के जैक्सन विले बेचते गया। उत्थे राजेश ने अपने बच्चे नूं बचाउण दी कोशिश करते हुए तेज समुंदर विच छाल मार दित्ती। उन्होंने दस्सिया कि राजेश अपने बेटे नूं बचा के कंडे ते लियाउण विच कामयाब रहा, पर उदों ही पिछों तो तेज समुंदरी लहर आई जिस विच राजेश वह गया। विजय ने दस्सिया कि राजेश नूं समुंदर चों बाहर कढ़िया गया ते तुरंत हैलीकॉप्टर राहीं हॉस्पिटल लिजाया गया, पर उसकी जान नहीं बच सकी। जापान के कुमामोटो विच भारी मीह कारण हड़ अते जमीन खिसकण दे खतरे कारण हजारां लोकां नूं अपने घर खाली करन दी अपील कीती गई है। क्यूडो न्यूज़ एजेंसी ने यह जानकारी दित्ती। जापान के दक्षण पछमी क्यूश खेतर च सोमवार नूं होई भारी बारिश कारण जामाटो तो लंघदी एक छोटी नदी ते बनिया पुल ढह गया। स्थानक अधिकारियों ने दस्सिया कि सुरक्षा उद्देशों लई कुमामोटो शहर के लगभग 360,000 निवासियों नूं खेतर खाली करन दे आदेश दित्ते गए ने। क्यूडो न्यूज़ एजेंसी ने दस्सिया कि जापान की मौसम विज्ञान एजेंसी ने मंगलवार दोपहर तो पूरे खेतर च भारी मीह अते गरज की चेतावनी दित्ती है। क्यूडो न्यूज़ मिनाटो टोक्यो विच स्थित एक न्यूज़ एजेंसी है। इस तो इलावा मौसम विज्ञान एजेंसी ने भी लोगों नूं जमीन खिसकण अते हड़ां तो सुचेत रहण दे लई कहा। क्यूडो न्यूज़ एजेंसी दे अनुसार कुमामोटो प्रीफेक्चर ने रेखिक रेन बैडां दा विकास देखिया जो कि भारी मीह लियाउण दे लई जाणे जांदे ने। प्रीफेक्चर विच जामाटो अते माशिकी दे कस्बियां च सोमवार सवेरे क्रमवार 82 अते 80 मिलीमीटर प्रति घंटा वर्खा दर्ज कीती गई, जो दोवें खेतरां लई जुलाई दा रिकॉर्ड है। हालांकि स्थानक अधिकारियों के अनुसार पुल के डिगण के नाल किसी जानी नुकसान की कोई रिपोर्ट नहीं है। स्थानक अधिकारियों अते मौसम एजेंसी के अनुसार दक्षण पछम जापान विच हिंसक मीह कारण एक व्यक्ति की मौत हो गई अते दो होर लापता हो गए। क्यूडो न्यूज़ ने शनिवार रिपोर्ट दिती है कि मौसमी मीह के नतीजे वजो जापान मौसम विज्ञानी एजेंसी ने पछम तो पूर्वी जापान के खेतरां च चिक्कड़ नीवे इलाकों छड़ अते नदी के ओवरफ्लो लई चेतावनियां जारी कीतियां। कनेडा विच पहले दस्तारधारी सिख अफसर बलजीत सिंह ढिल्लों नूं महत्वपूर्ण जिम्मेवारी सौंपी गई है। रॉयल कनेडियन माउंटेड पुलिस दे विच पहले दस्तारधारी सिख अफसर बलतेज सिंह ढिल्लों नूं वर्क सेफ VC यानी कि वर्क सेफ BC दे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर दा प्रधान नियुक्त किया गया। इस दे नाल उह इह अहुदा संभालण वाले पहले दक्षणी एशियाई बन गए ने। और बोर्ड के मैंबर ढिल्लों पिछले हफ्ते किरत मंत्री हैरी बैंस के द्वारा किए गए ऐलान तो बाद 30 जून को प्रभावी 3 साल की म्याद के लिए नियुक्त किया गया। बलतेज एक तजर्बेकार पुलिस अधिकारी ने जिन्हां दे कोल कानून लागू करन दे विच महारत अते वर्क सेफ BC विच एक डायरेक्टर वजो 6 साल का तजर्बा है। बैंस ने अपने ऐलान दे विच कहा कि वह काम वाली थान ते गंभीर घटना की जांच दे विच वर्क सेफ BC की भूमिका लई वचनबद्ध होणगे तां जो अजिहियां घटनावां नूं दुबारा वापरन तो रोकिया जा सके। तुहाडी जानकारी दे लई दस दईए कि वर्क सेफ BC एक सूबाई एजेंसी है जो पूरे ब्रिटिश कोलंबिया दे विच सुरक्षित अते सेहतमंद कार्य स्थानां नूं उत्साहित करन दे लई समर्पित है। वर्क सेफ BC बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की नियुक्ति ब्रिटिश कोलंबिया के किरत मंत्री द्वारा की जाती है। बोर्ड के मैंबर वर्क सेफ BC अते वर्करां दी मुआवजा प्रणाली के प्रबंधकों वजो काम करते हैं। ढिल्लों खुफिया विशेष लागू करन सुरक्षा सेवावां 1985 एयर इंडिया बंब धमाके टास्क फोर्स अते पिकटन केस की जांच विच 3 दहाकियां के लंबे करियर तो बाद 2019 पुलिस फोर्स तो सेवामुक्त होए। उन्होंने वर्दी नाल दस्तार पहनने वाले पहले RCMP मैंबर बन के इतिहास रचिया अते भाईचारक सेवा लई महाराणी एलिजाबैथ 2 गोल्डन अते डायमंड जुबली मैडल भी प्राप्त किए। ढिल्लों ने कहा कि वह अपनी साथी बोर्ड मैंबर वर्क सेफ BC स्टाफ के नाल प्रधान वजो काम करना शुरू करन दे लई उत्साहित है। मलेशिया च वड्डे हुए ढिल्लों 1983 च 16 साल की उम्र में ब्रिटिश कोलंबिया आ गए।
ढिल्लों ने अपराध विज्ञान की पढ़ाई की। 1988 RCMP अर्जी दी जिथे उन्होंने उस समय के पहरावे के कोड की पालना करन तो इनकार कर दिता जिस विच दस्तार ते पाबंदी सी अते क्लीन शेव की लोड़ सी। मार्च 1990 के महीनों के विरुद्ध प्रदर्शनों तो बाद प्रधानमंत्री ब्रायन की प्रोग्रेसिव कंजरवेटिव सरकार ने RCMP ड्रैस कोड में कई तब्दीलियां का ऐलान किया जिस विच सिखां लई दाढ़ी रखण अते पग बन्नण की आजादी शामिल सी। एनवायरमेंट कनेडा वालों टोरोंटो ते ग्रेटर टोरोंटो एरिया ले हीट वार्निंग जारी की गई है। इस नाल हवा दे विच तपिश की नमी बनी रहेगी। मंगलवार तो लैके वीरवार तक दिन वेले का तापमान रोजाना 30 डिग्री सैलसीयस तक रहन की संभावना है, पर यह 37 से 40 डिग्री तक महसूस हो सकता है। रात वेले तापमान 20 डिग्री के नेड़े तेड़े रहन की पेशनगोई की गई है। एजेंसी वालों अजिहे गर्म मौसम के खुद को ठंडा रखण ते बारी बारी तरल पदार्थ लैण की सलाह दी गई है। गर्म तापमान कारण हवा का म्यार भी घट सकता है। ये भी चेतावनी दी गई है कि अजिहे मौसम के अपने पालतूआ जां लोकां नूं थोड़ी देर लई भी कारां विच बंद ना रहन दिता जाए क्योंकि कारां दे अंदर दा तापमान बड़ी तेजी दे नाल वधदा है। कैनेडियन सिटीज़ दे सेफ्टी ते सिक्योरिटी संबंधी नवा डाटा जारी किया गया है। किराए उत्ते घर देण वाली एक साइट रेंटोला दा कहना है कि उन्हां वल्लों इह डाटा कैनेडियंस दी मदद दे लई जारी किया गया है तां कि रहण दे लई थां चुणन तों पहलां उन्हां नूं उत्थों उत्थे बारे थोड़ा आइडिया हो सके। इस साइट वल्लों कैनेडियन सिटीज़ दे सेफ्टी संबंधी वख-वख कारकां नूं ध्यान विच रख्या गया है जिन्हां विच पुलिस फोर्स एमरजेंसी रिस्पोंस सिस्टम ते कम्यूनिटी दी शमूलियत वाले प्रोग्राम्स के लिए कीतियां जाण वालियां पहलकदमियां आदि शामिल ने। सेफ्टी इंडेक्स के हिसाब के नाल ओंटारियो दियां सिटीज़ दे विच बैरी नूं सब तो सुरक्षित सिटी का दर्जा हासिल होया है। उसनूं 10 विचों 7.13 अंक हासिल होए। 6.63 की रेटिंग के नाल टोरोंटो चौथे स्थान उत्ते रहा। ब्रेंटफोर्ड ते ग्वेल्फ तीजे स्थान पर रहे। पुलिस 10 सुरक्षित सिटीज़ विचों 2 सिटीज़ सेंट जॉन्स न्यू ब्रंजविक ते लैथब्रिज अल्बर्टा ही ने जिहड़ियां ओंटारियो तो बाहर दियां ने। ईस्ट माउंटेन एरिया विच एक परिवारक इकट्ठ दे दौरान 16 साल लड़के नूं उसके रिश्तेदार ने चाकू मार के मार सुट्टिया। जांचकारां नूं राती 10 बजे तो बाद कैदम बुलेवार्ड उत्ते स्थित एक घर विच सद्या गया। इत्थे एक 22 साल लड़के ने परिवारक इकट्ठ दे दौरान रिश्तेदारी विच अपने भरा लगते 16 साल लड़के की चाकू मार के जान लै लई। जख्मी हालत विच लड़के नूं होस्पिटल लिजाया गया जिथे जख्मां दी ताबना सहारदिया होया उह दम तोड़ गया। हैमिल्टन पुलिस ने दस्या कि मशकूक ते मारिया गया लड़का कजनज सन। एक घटना उस घर विच वापरी जिथे उह रहिंदा सी। घटना मौके 12 से 15 लोग घर विच मौजूद सी। कार नूं अंजाम देण दे लई बाद विच उसने मौके ते ओ फरार होया, पर कम्यूनिटी मैंबर वालों दित्ती गई सूह तो बाद सोमवार सवेरे 9 बजे उसनू गड्डी समेत लोकेट कर लिया गया। इस मगरों लॉर्नियो विस्तयोग नू फर्स्ट डिग्री मर्डर दे लई चार्ज किया गया। परिवार की बेनती उत्ते मृतक का नाम जारी नहीं किया गया। जांचकारां ने दस्या कि दिन वेले मृतक की मशकूक दरमियान किसी गल नू लैके बहस हुई पर इस बारे होर कोई जानकारी नहीं दित्ती गई। कैनेडा रेवन्यू एजेंसी ने अपने कई मुलाजमान की छांटी कर दी है ते कई होरना खिलाफ एजेंसी वालों अंदरूनी जांच करवाई जा रही है। एजेंसी वालों की गई अंदरूनी जांच तो सामने आया किसने कुछ मुलाजमान वालों कैनेडा एमरजेंसी रिस्पोंस बेनीफिट संबंधी अदायगियां आप ही लै लिया गई सन। 30 जून को एजेंसी वालों इस गल की पुष्टि की गई कि उस वालों अंदरूनी मुलांकण तो बाद अपने 20 मुलाजमान की छांटी कर दी गई है। इस मुकम्मल होने तो बाद छांटी किए जाने वाले मुलाजमान की गिणती में वाधा होने की संभावना भी एजेंसी वालों प्रगटाई गई। एक बयान के CRA लई मीडिया रिलेशन का ध्यान रखने वाली सिल्वी ब्रांच ने आख्या कि CRA वालों वड्डी पद्धर उत्ते इस संबंधी जांच शुरू की गई। उसने किसी मुलजम वालों CRA नाल काम करते समय गलत ढंग दे नाल CRB तां हासिल नहीं की गई। उन्होंने आख्या कि इस समय असी अपने बहुत घट मुलाजमान की जांच कर रहे हैं जो कि CRA की कुल वर्कफोर्स का 1% बनता है। उन्होंने स्पष्ट करदिया आख्या कि CRA का मौजूदा मुलाजम हुंदिया कोई CRB हासिल नहीं कर सकता, अजिहा नहीं है। हरेक केस की जांच वक्रे ढंग नाल की जा रही है।
रैक्सडेल विच रात समय वापरी शूटिंग की घटना विच एक व्यक्ति की मौत हुई। टोरंटो पुलिस नूं राती 10:30 बजे तो बाद किपलिंग एवन्यू ते एलबीएन रोड उत्ते स्थित एक इमारत विच सद्या गया। गोली लगन कारण इत्थे एक व्यक्ति दे जख्मी होण दी वी खबर पुलिस नूं दित्ती गई। जांचकारां दा कहना है कि इस व्यक्ति नूं कई गोलियां लगियां ते उस नूं मौके ते ही मृतक ऐलान दित्ता गया। अजे इस संबंध विच किसे नूं गिरफ्तार नहीं किया गया ते ना ही किसे मशकूक दा वेरवा भी पुलिस नूं जारी किया गया है। मामले की जांच होम साइड यूनिट वालों अपने हाथ विच लै ली गई है। घरेलू हिंसा के सिलसिलेवार मामलों ने चाइना के नौजवानों विच ब्याह नूं लैके कई सवाल खड़े कर दिते ने। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक चीन विच हाई प्रोफाइल घरेलू हिंसा के मामलों च वाधा होया, इस कारण चीनी नौजवान ब्याह करन तो बच रहे ने। हाल ही विच चीन विच घरेलू हिंसा का एक मामला सोशल मीडिया से तेजी नाल वायरल हो रहा, जिस विच दिन दिहाड़े कतल दी वीडियो रिकॉर्ड की गई। एक कतल पूर्वी सूबे शानडोंग विच होया सी अते पूरी घटना नूं एक गवाह ने रिकॉर्ड किया। व्यक्ति ने वीडियो ऑनलाइन पोस्ट की, जिस तों बाद घरेलू हिंसा का मामला सामने आया। वीडियो विच व्यक्ति बार बार एक औरत उत्ते कार चला रहा है, जिस दे बाद विच पुलिस ने उसकी पत्नी वजो पछाण की है। वीडियो च यह भी देखा गया कि पति बार बार अपनी कार चो बाहर निकल रहा सी, तां जो ये पता लगाया जा सके कि उसकी पत्नी जिंदा है या नहीं। डोइंग सिटी पुलिस ने मंगलवार को एक बयान च किया कि 37 साल व्यक्ति ने परिवारक झगड़े कारण अपनी 38 साल पत्नी का कतल कर दिता, फिर उसनू कार नाल भजाया। दोषी नू हिरासत विच लैके मामले की जांच की जा रही है। ऑनलाइन वीडियो सोमवार को वायरल हो गया सी अते बुधवार सवेर तक यह केस 300 मिलियन व्यूज के नाल चीन के ट्विटर वर्गे ब्योबो के एक प्रमुख रुझान वाला विषय बन गया। कई लोगों ने इस हमले को वहशियाना करार दिता। इंग्लैंड विच एक गुजराती संघ विच ब्याह दी पार्टी दौरान गोलीबारी दी घटना हुई। एक गोलीबारी इंग्लैंड दे वेस्ट मिडलैंड खेतर दे वॉल्वहैम्पटन विच हुई। घटना दे समय गुजराती एसोसिएशन दे विच 100 तों वध मेहमान मौजूद सी। यूके पुलिस ने घटना दी जांच शुरू कर दिती है। वॉल्वहैम्पटन पुलिस ने कहा है कि उन्होंने शनिवार रात नूं घटना संबंधी फोन ते जानकारी मिली। उन्हों का मनना है कि एक कार नूं घटना वाली थान तो पिछले पासे लजाया गया अते एक व्यक्ति कार विचों बाहर निकलिया अते जिसने प्रोग्राम वाली थान ते खड़ी दूजी कार ते कई गोलियां चला दित्तियां। फिर ब्याह दी पार्टी करन वालियां वल्लों किसी होर व्यक्ति वल्लों हमलावार ते बंदूक दे नाल गोलियां चलाईयां गईयां। हालांकि हमले विच किसी दे जख्मी होण दी जानकारी नहीं है, पर एक कार दा नुकसान होया ते इसकी फोरेंसिक जांच चल रही है। पुलिस ने कहा कि उन्होंने अधिकारियों ने फोरेंसिक अते सीसीटीवी जांच की है। यूक्रेन विच एक मशहूर रेस्टोरेंट ते रूस दे मिजाइल हमले च जख्मी हुई पुरस्कार जेतु यूक्रेनी लेखिका विक्टोरिया दी मौत हो गई। पेन अमरीका संस्था ने यह जानकारी दी है। इस रेस्टोरेंट दे विच पत्रकारां अते सहायता कर्मचारियों का आना जाना रहिंदा सी। साहित अते मनुखी अधिकार संगठन ने एतवार नूं एक बयान च कहा कि 37 साल अमेलिना ने साहित तो परे रूसी युद्ध अपराधा के दस्तावेजी करन ते अपना ध्यान केंद्रित किया सी। बयान दे मुताबिक 27 जून नूं एक प्रसिद्ध रेस्टोरेंट नूं निशाना बना के किए गए रूसी हमले च उस दी मौत हो गई। इस तरह हुण तक दी खबरां मैनूं वरुण कौर मान नूं दिवा गया ते होर खबरां दे लई साडा यूट्यूब चैनल पंजाब मेल USA TV जरूर सबसक्राइब करो जी। शुक्रिया, सत श्री अकाल।